उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सुरक्षा बल अभी भी तैनात है। यहाँ अभी भी सब कुछ बंद है, पुलिस बल मुस्तैद है। वहीं आसपास के इलाके में जारी कर्फ्यू में रियायत दे दी गई है, स्कूल भी खोल दिए गए हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने आए पेरेंट्स का क्या कहना है सुनिए। बहुत बुरे हालात सर, और इनके तो आपसी के चक्कर में स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। एग्जाम इतने नजदीक है, छुट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और बिना कोई मैसेज बिना कोई उसके एकदम स्कूल बंद हुए, ये सब बहुत गलत था। तो अभी स्कूल तो रीओपन हुआ, स्कूल से मैसेज आया आपको कि स्कूल ओपन है? मैसेज आया, हाँ तब भाई तभी लेके आया। पढ़ाई पे असर पड़ता है बच्चों? बहुत ज्यादा पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर, वो भी ऐसे टाइम पे एग्जाम के टाइम पे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अभी इनकी आपसी लड़ाई है कुछ भी हो, लेकिन स्कूल के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ सर, अभी तो फिलहाल दो दिन से स्कूल बंद था कर्फ्यू के कारण, और आज ही कल मैसेज आया था शाम को स्कूल से, तो आज ही ओपन हुआ है, और अब तो फिलहाल थोड़ा ठीक है पहले के मुकाबले। तो जिस तरह के हालात थे उस वजह से आपको लगा कि स्कूल बंद होना चाहिए था? हाँ सर बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, हालात तो बहुत बुरे थे, अब तो फिलहाल उसके मुकाबले काफी ठीक है। बहुत से लोगों को चोट भी लगी है, बहुत नुकसान भी हुआ है लोगों का, लेकिन आज सब कुछ देखते हुए मतलब फिलहाल बहुत ठीक है। तो अभी आपको बच्चे सेफ लग रहा है भेजना? क्योंकि अभी सर सेफ तो नहीं है, लेकिन अब पढ़ाई भी जरूरी है। स्कूल दो दिन से बंद था तो बच्चों के बहुत हर्जा हुआ है, तो इसी सब चीजों का रिस्क तो है ही। क्यों स्कूल बंद करेंगे थे, क्या बोला गया था आपको? स्कूल तो ऐसा है, स्कूल की तरफ से मैसेज आया था कि मतलब डीएम का आदेश है और अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेगा। यहाँ पे कुछ दंगे वगैरह हुए तो उसकी वजह से हुआ था, लेकिन इस इलाके में नहीं था, आउटसाइड में था, और अभी नॉर्मल सी है। तो कल ओपन मैसेज आया था कि स्कूल रीओपन हो गया है, इसलिए बच्चे को छोड़ने आया था। बनभूलपुरा इलाके में आप देख सकते हैं कि सड़क के आसपास सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से खड़ा है। इसका एक ही मकसद है कि शांति बनी रहे। आपको बता दें कि यहां 8 फरवरी को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था, जिसके बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी थी।